हाय हेलो नमस्ते, सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेटेड। दिस इज प्रदीप। एंड आज का वीडियो में हम सेंसेक्स इंडेक्स स्टडी कर रहे हैं। एंड इसमें हम टेक्निकल चार्ट अनाउंस कर रहे हैं। इस वीक में मतलब करंट वीक में क्या हुआ था एंड नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा रहेगा, हम कहाँ बाइंग कर सकते हैं और क्या पोजिशन रह सकते हैं, एंड मार्केट कहाँ तक मार्केट अभी भी जा सकते हैं, उसका साइकोलॉजी लेवल्स क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, इसके बारे में इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। एंड अभी हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट दी बेल आइकन, आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक एंड शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट वीडियो। नहीं, आप देख सकते हैं मैंने सेंसेक्स का वीकली चार्ट ओपन किया है एंड इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं, एंड ये आपको अगर हेल्प करेगा एग्जैक्टली। एंड मैंने इधर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अभी पहले रेजिस्टेंस था अभी सपोर्ट बन चुका है, एंड फर्स्ट रिजेक्शन था, सेकेंड रिजेक्शन था, एंड 50 EMA और 200 EMA ऐड किया है ना, इसमें 50 EMA देख सकते हैं एग्जैक्टली, 50 EMA को एक अच्छे से सपोर्ट करते हुए मार्केट गया था ऊपर लेवल पे, एंड बाद में रेजिस्टेंस लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए मार्केट ऊपर गया, एंड बाद में इधर एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट थोड़े दिन के लिए इसके ऊपर ही साइडवेज किया, मतलब रीटेस्ट किया ऑलमोस्ट। ओके, रीटेस्ट करने के बाद 50 EMA को रेस्पेक्ट करके फिर से मार्केट एक अपर लेवल पर रैली किया। एंड मैंने आपको पहली बार भी बताया था एग्जैक्टली मार्केट में हम 68,000 70,000 तक भी रैली कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट मैंने एक महीने पहले ही बताया था आपको। आपको सेंसेक्स में डिप कहाँ मिलता है उधर बाइंग पोजीशन बनाए करके प्राइस के मैंने उसको आपको एग्जैक्टली दिया था। एंड इधर से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, यहाँ से ए लेवल से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ए देखिए मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना एग्जैक्टली, ए ट्रेंड लाइन मैंने उस दिन भी ड्रॉ करके आपको दिखाया था एंड आपको प्रोजेक्शन भी बताया था। ओके, पहले इधर रिजेक्शन हुआ था एंड बाद में हायर हाई बनाया, इधर भी रिजेक्शन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट देके इधर भी हायर हाई बनाया, रिजेक्शन हुआ एंड बाद में और फिर से डबल टॉप बना के रिजेक्शन हुआ, एंड उसके बाद में मार्केट प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया एंड इधर फेक ब्रेकआउट हुआ एंड 50 EMA को अच्छे से एक सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से वही जोन को आके रेस्पेक्ट किया ऑलमोस्ट 58 और 70,000, मैंने किस गारंटी पे बताया था एग्जैक्टली, देख सकते हैं इसका ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ये आता है 69,868, मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको 68,000 टू 70,000 मतलब 2,000 के इन बिटवीन मार्केट रीच हो सकते करके वही गारंटी पे मैंने दिया था। एंड मैंने नेक्स्ट रीजन हमारा कहाँ होगा वो मैंने एनालिसिस करके आपको दिया था, मतलब यहाँ तक हम मार्केट हम एक्सपेक्ट कर सकते करके। एंड अभी देखिए मार्केट 68,000 70,000 रेस्पेक्ट किया, अभी 70,000 ब्रेक करके भी 71,500 तक भी गया, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 मूवमेंट किया 70,000 के ऊपर। हमारा एनालिसिस सही था क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले प्रीवियस का हाइज है ना उसको हम उसका रेस्पेक्ट करके हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, उसका हमारा फ्यूचर का रेजिस्टेंस लेवल मिलता है। ओके, प्रीवियस हाइज बहुत इंपॉर्टेंट है हमको नेक्स्ट फ्यूचर का हाइज मतलब एनालिसिस करने के लिए। ओके, आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी ये देखिए एग्जैक्टली मैंने ये दिया था, आप चाहे तो हमारे वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे है, वो तो आप जाके देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने आपको कहाँ का किस दिन मैंने बताया था। ओके, एंड अभी हम इधर देखिए एग्जैक्टली अभी ब्रेकआउट होने के बाद अभी हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ओके, फिलहाल अभी मार्केट में हम 75,000 एक साइकोलॉजी लेवल आता है, ये 75,000 तक भी यहाँ तक भी जा सकते हैं वीकली में, वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में मूवमेंट करेगा करके। एंड यहाँ तक भी गए तो फिर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट भी आ सकते हैं एग्जैक्टली 75,000, 75,000 से एक रैली भी आ सकती है क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट के लिए आ सकते हैं, रीटेस्ट करके फिर से मार्केट अपर लेवल पर मूवमेंट भी कर सकते हैं। ओके, अभी भी बाय करके जा सकते हैं मगर एक स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा इसमें। ओके, थोड़ा रिस्क भी रहेगा एंड इधर भी देख सकते हैं एग्जैक्टली डेली डे फ्रेम में इतना बड़ा एंड इसमें इतना बड़ा मूवमेंट किया था 200 EMA को रेस्पेक्ट करने के बाद, उसके बाद में 50 EMA को ब्रेक किया, उधर एक स्मॉल पॉज लिए, पॉज लेने के बाद मार्केट फिर से रैली किया, रैली करने के बाद मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया ना उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर ही देखिए एग्जैक्टली एक पॉज लिया मार्केट ने, पॉज लेने के बाद जैसे मार्केट एक रीटेस्ट किया उधर से फिर से मार्केट पुल बैक आया एंड ऑलमोस्ट ये बोल सकते हैं आप 20,000 ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का रैली किया मार्केट ने, 2,000 पॉइंट का रैली करके अभी ऊपर लेवल पे मार्केट सस्टेन किया, हम स्टिल एक्सपेक्ट कर सकते हैं 72,000 फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड ये भी एक ब्रेकआउट होके मार्केट उसके ऊपर पे सस्टेन किया तो 73,000 सेकेंड टारगेट रहेगा। एंड इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि आप मिड रेंज में बाय कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही बड़ा रहेगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस ए हो सकता है क्योंकि इतना बड़ा आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी आपका चांस
था वो मिस हो चुका है। एंड अभी वेट कीजिए मार्केट एक सपोर्ट करने का, ओके। एंड अभी हम 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, सॉरी कैसे हम नेक्स्ट वीक में मार्केट ट्रेड कर सकते हैं, ओके। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में ना इसमें ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल तो मिल चुका है, 69,900 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये जोन रहेगा सपोर्ट, ओके। एंड इसके ऊपर ब्रेक करके अभी मार्केट ऊपर गया है। एंड 50 EMA आप देख सकते हैं, 50 EMA एंड 200 EMA एक अच्छे से मार्केट एक सपोर्ट करके मार्केट ऊपर गया था, इधर ब्रेकआउट दिया था, बाद में ये बॉक्स में आया, इधर एक सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट इधर से फिर से रैली कर रहे हैं। माइट बी ये रैली कितना क्या है ना, उतना रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर, माइट बी ये 72,000 हो सकते हैं, 72,500 एंड 72,300 भी हो सकते हैं मार्केट में, यहाँ तक भी हम रैली कर सकते हैं, मगर मार्केट स्टिल मूवमेंट अपर लेवल पे है। एंड ऑलरेडी 50 EMA में तुम अच्छे से एक प्रॉपरली एक रेस्पेक्ट करके ऊपर गए तो, एंड फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 EMA को वापस आए तो हम 50 EMA को फिर से रीबाइंग करेंगे एंड और फिर से हम एक बड़ा रैली के लिए वेट करेंगे। 22,200 हो सकते हैं, 23,000, 23,500, 24,500, ये सब हमको देखने को मिलता है कमिंग डेज पे, ओके। कब तक 50 EMA के ऊपर है तब तक के लिए मार्केट बुलिश रहेगा एंड ट्रेंड तो बुलिश ट्रेंड है, आपको कहीं भी डिप मिलता ना उधर बाइंग कीजिए 50 EMA के ऊपर, ओके। ये लेवल सर पे सेंसेक्स में, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट द बेल आइकन, आपको नया वीडियो को नोटिफिकेशन मिलेगा, और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट अस।